दोस्तों टीवी में काम करने वाली अभिनेत्रियों के लिए एक्टिंग सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर जो अभिनेत्री एक्टिंग करने में माहिर होती हैं, तो उसी अभिनेत्री को इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिलता है। और अपने इसी स्किल्स के दम पर टीवी की कई अभिनेत्रियों ने दर्शकों का दिल जीता है। दर्शक उनकी सुपर्ब एक्टिंग को देखकर हैरान हो जाते हैं कि अभिनेत्री इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर लेती हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां टीवी की कई अभिनेत्रियां अपनी एक्टिंग से लोगों को हैरान कर देती हैं, तो वहीं टीवी इंडस्ट्री में ऐसी कई अभिनेत्रियां हैं जो लोगों को आकर्षित करने के लिए ऐसी एक्टिंग करती हैं कि लोगों को उनकी एक्टिंग ओवर एक्टिंग लगते, इसलिए अब दर्शक उनकी एक्टिंग को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो आखिरकार कौन सी है वो एक्ट्रेस जिन्होंने अपनी ओवर एक्टिंग से दर्शकों के नाक में दम कर रखा है, आइए वीडियो के जरिए जल्दी से जानते हैं। नंबर वन, हिना खान। जी हाँ, अभिनेत्री हिना खान का नाम इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर शामिल है जिनकी एक्टिंग दर्शकों को ओवर एक्टिंग लगती है। हालांकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में जब हिना खान ने काम किया था तो इनकी एक्टिंग दर्शकों को बहुत पसंद आई थी, पर जब से कसौटी जिंदगी की 2 सीरियल में कमौलिका का किरदार निभा रही है तो लोगों को इनकी एक्टिंग ओवर लगने लगी है, जिसके चलते दर्शक इनकी एक्टिंग से इतने बोर हो गए थे कि उन्होंने तंग आकर इस सीरियल को भी देखना छोड़ दिया था। नंबर टू, निया शर्मा। स्क्रीन पर ओवर एक्टिंग करने वाली अभिनेत्रियों में एक नाम निया शर्मा का भी है, जिन्होंने यूं तो एक हजारों में मेरी बहना है सीरियल में इतनी अच्छी एक्टिंग की थी कि दर्शक इन्हें हमेशा टीवी पर देखने के लिए एक्साइटेड रहते थे, पर जब इन्होंने जी टीवी के पॉपुलर शो जमाई राजा में काम किया तो दर्शक इनकी एक्टिंग से बोर हो गए थे। जी हाँ, इसमें रोशनी का किरदार प्ले करते हुए ये इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग करने लगी थी कि दर्शक इनकी एक्टिंग को नापसंद करने लगे थे, और यही वजह रही कि उन्होंने बोर होकर इस सीरियल को ही देखना छोड़ दिया। नंबर थ्री, शाइनी दोषी। इस लिस्ट में एक नाम अभिनेत्री शाइनी दोषी का भी शामिल है जिन्होंने अपनी ओवर एक्टिंग से दर्शकों को इरिटेट कर दिया है। जी हाँ, बता दें इन दिनों पांड्या स्टोर सीरियल में जिस तरह से अभिनेत्री शाइनी दोषी अपने आप को धरा के किरदार में बेहतर प्रूफ करने के लिए लगी हुई हैं, ये दर्शकों को बहुत ही ज्यादा इरिटेट कर रही हैं, क्योंकि कुछ नया करने के चक्कर में शाइनी दोषी ऐसी एक्टिंग कर रही हैं जो दर्शकों को बहुत ज्यादा इरिटेट करने लगी हैं, इसलिए तो दर्शकों ने इस सीरियल को देखना ही छोड़ दिया है। नंबर फोर, नेहा मर्दा। इस लिस्ट में एक नाम डोली अरमानो की सीरियल में उर्मी का किरदार निभाकर मशहूर हुई अभिनेत्री नेहा मर्दा का शामिल है नाम, जो कि इन दिनों जो रिश्ते में कटी बटी सीरियल में शुभ्रा किरदार निभाते हुए नजर आ रही हैं। हालांकि ये शो स्टार्टिंग में तो दर्शकों को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा था, पर अब नेहा मर्दा अपने आप को यूनिक दिखाने के लिए कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रही है जो दर्शकों को बहुत ही ज्यादा बोर कर रहा है, इसलिए तो दर्शक इन्हें आज ओवर एक्टिंग की दुकान कहते हैं। नंबर फाइव, जिज्ञासा सिंह। कलर्स की पॉपुलर शो शक्ति अस्तित्व के एहसास ही में हीर का किरदार निभाने वाली अदाकारा जिज्ञासा सिंह भी इस सूची में शामिल होती हैं, जो भले ही इन दिनों इस सीरियल में बेहद खूबसूरत एक्टिंग कर रही हो, पर जब ये थपकी सीरियल में काम कर रही थी तभी अपनी एक्टिंग से दर्शकों को बोर कर रही थी। थपकी के किरदार में इनका हकलाना और फिर मासूम बन जाना दर्शकों को इतना ज्यादा बोर करने लगा कि सीरियल जल्द ही ऑफ एयर करना पड़ गया था। तो दोस्तों, ये है वो टीवी की 5 अभिनेत्रियां जिन्होंने अपनी ओवर एक्टिंग से दर्शकों को बोर कर रखा है। वैसे आपका इन अभिनेत्रियों के बारे में क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।